हेलो फ्रेंड्स, बाजू के इस डिज़ाइन को सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये कपड़ा लेना है और बाजू की कटिंग करनी है हमने। तो जो बाजू की लेंथ है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 1/4 इंच बाजू सिलनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे 15 इंच इसकी लेंथ ली है। जो आर्म होल है वो हमारा है 7 इंच का, ठीक है। तो यहाँ से हमने डीप कटिंग करनी है, वो करनी है हमने 2.5 इंच की, ठीक है। तो यहाँ से हमारी साइड खुली है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको शेप दे देनी है बाजू की। और यहाँ से हमारी जो मोरी है वो है हमने 4 या 4.5 इंच, आप यहाँ पे मोरी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से मिला दिया। अब इसकी कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो बाजू की हमारी कटिंग हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपने बाजू कट करनी है। बाजू आप अपने हिसाब से लंबी या छोटी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने मेन मकसद है कि हमने यहाँ पे डिज़ाइन बनाना सिखाना है आपको। और ये डिज़ाइन आप पूरी बाजू में बनाएंगे तो भी बहुत ही अच्छा लगेगा और सुंदर लगेगा, ठीक है। यहाँ से हमने सेंटर कर लिया और सेंटर से भी हमने यहाँ पे जहाँ फिटिंग थी ना, यहाँ पे फिटिंग का निशान था, और यहाँ से हमने सेंटर को ऐसे रखते हुए यहाँ से भी हमने एक सेंटर बनाना है। मतलब सेंटर से भी हमने जो सेंटर बनाया है उसका भी हमने हाफ बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने निशान लगा दिया और यहाँ पे हमने ये 3 इंच का निशान लगाया है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमने 3 इंच तक निशान लगाया है और इसका सेंटर बना लिया। अब यहाँ पे हमने इस वी शेप में इसकी जो स्टिचिंग है वो करनी है। और ये मैंने पैक पट्टी ली है, ठीक है। तो इसको हमने साइडों से सिल लेना है, तीनों साइडों से हमने सिल देना है इसको। तो इस तरीके से देखिए, मैंने तीनों साइडों से इसको सिल दिया है, ठीक है। ये तीनों साइडों से मैंने सिल दिया है। अब इसका भी हमने सेंटर बना लेना है, ठीक है, इस तरीके से। और इतना कपड़ा मतलब मार्जिन छोड़ते हुए बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे और यहाँ सेंटर पे हमने कट लगा देना है, ठीक है। अब इसको कपड़े को हम इस तरीके से खोलेंगे और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए, और जैसे कि मैंने बताया था कि वी शेप में हमने इसकी स्टिचिंग करनी है, ठीक है। तो या तो आप रफ सिलाई सेंटर में लगा के फिर भी स्टिचिंग कर सकते हैं, या डायरेक्ट वी शेप में ही इसकी जो स्टिचिंग है वो कर सकते हैं। तो ये मैंने स्टिचिंग कर ली है। अब इसमें जो कट है वो लगाना है हमने, कॉर्नर तक कट लगाना है, धागा ना कटने पाए ध्यान रखना है आपने। फिर इसको हम ऐसे सीधा कर देंगे, इस तरीके से हमने इसको सीधा कर दिया कट को, ठीक है। तो ये वी शेप में हमारा कट बन गया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक फ्रिल बनानी है। और ये मैंने ली है, चौड़ी पट्टी ली है, 4 साढ़े 4 इंच के करीब है, ठीक है। तो इस तरीके से जितनी चौड़ी आप फ्रिल बनाना चाहते हैं, 3 इंच की 2.5 इंच की, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ ली है 20 इंच की। अगर आप फ्रिल में जो चोन है वो भारी डालना चाहते हैं तो आप इसकी लेंथ ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने पट्टी को डबल फोल्ड कर दिया और साइड दोनों साइडों से हमने इसको भी स्टिच कर देना है, ठीक है। और पहले दोनों साइडों से स्टिच करेंगे, उसके बाद हमने इसको सीधा करना है, ठीक है। ऐसे प्रेस कर लेंगे और फिर साइड में हमने सिलाई लगा देनी है, ठीक है। अब इसको हमने सीधा कर देना है पट्टी को, ठीक है। इस तरीके से हमने सीधा कर दिया और अच्छे से सेट कर लेना है, ठीक है, ताकि कोई भी इसमें झोल वगैरह ना आए। इसको अच्छे से सेट कर लिया। अब ऊपर हमने 1/4 इंच मार्जिन छोड़ते हुए और तीनों तरफ हमने इस तरीके से सिलाई लगा देनी है, ठीक है। ये बहुत ही सुंदर बाजू बनती है और आजकल बहुत ही चल रही है ये बाजू, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दूसरी साइड में भी इसे सिलाई लगा लेनी है, जो खुली हुई साइड है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो चोने हैं वो डालना है। चोने आप अपने हिसाब से बड़ी छोटी डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया है कि आप घनी चोने डालेंगे तो कपड़ा ज़्यादा ले लें, अगर ठीक ठीक डालेंगे तो आप 20 इंच ही कपड़ा काफ़ी है इसके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने चोनों को डालते जाना है, ठीक है। ये फिक्स मेज़रमेंट नहीं है, आप अपने जैसे आपकी बाजू है आप अपने बाजू के हिसाब से आप मेज़रमेंट कर सकते हैं। ये फ्रिल जो बनी है इसको भी अगर कम ज़्यादा हो गई है तो आप खोल के दोबारा भी इसको कर सकते हैं। अब हमने बाजू की फिटिंग कर देनी है, ठीक है। इस तरीके से हमने बाजू की फिटिंग कर दी, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, इसको बाजू को सीधा कर लेना है,
ठीक है, ये फिटिंग कर दी है। अब हमने बाजू को सीधा कर लेना है, ये मैंने सीधा भी कर लिया। अब ये छोटी सी हमने लूप बनानी है जो मैंने सिलाई लगा ली है, और ये पट्टी कट करके अब सुई की मदद से हमने इसको ऐसे पिरो लेना है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि ये कॉटन फैब्रिक है, यहाँ से जल्दी से नहीं निकलता। कोई दूसरा फैब्रिक होता तो बड़ी आसानी से यहाँ से मतलब ये बन जाती है, थोड़ी सी इसमें टाइम लगा है तो मतलब बन जाती है ये डोरी बड़ी आसानी से। तो इस तरीके से हमने ये छोटी सी डोरी बना ली है, यहाँ पे हमने लूप लगानी है और साइड में जो बटन लगाएंगे उसके ये काम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे साइड में ये डोरी लगेगी इस तरीके से। और डोरी लगाने से पहले सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो फ्रिल है इसको हम अटैच करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने फ्रिल को अटैच करना है, डोरी बाद में लगाएंगे। और डोरी यहाँ पे आधा इंच ऊपर छोड़ते हुए ऐसे आप नाप लें। ठीक है, यहाँ पे आपने पहले फ्रिल अटैच करनी है। तो इस तरीके से आपने घुमाते हुए यहाँ पे फ्रिल अटैच कर लेंगे। तो आप अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये फ्रिल लगा ली है और यहाँ पे पक्का कर देंगे। ठीक है, और ये हमारी फ्रिल लग चुकी है। अब हमने यहाँ पे डोरी लगानी है, ये वाली। ठीक है, लूप लगानी है, ये जो मार्जिन है ना इसके अंदर हम इस तरीके से ऐसे डोरी फिट कर देंगे, और इससे क्या होगा कि फिनिशिंग भी हमारी अच्छी आ जाएगी। ठीक है, डोरी लगाने को हम पहले भी लगा सकते थे, ठीक है, और बाद में भी लगा सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऊपर टॉप स्टिच लगा देना है, इससे फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। तो इस तरीके से हमारी जो बाजू है वो बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी बाजू बन के तैयार हो गई है। अब यहाँ पे हमने एक बटन लगाना है छोटा सा, आप ब्लैक कलर का, गोल्डन कलर का कोई भी बटन लगा सकते हैं। तो ये साइड हमारी इस साइड में आएगी, ये वैसे ही मैंने डाल के आपको बताई है कि ऐसी बाजू बनी है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स।